इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। ऐसा हम नहीं, इस तस्वीर में मौजूद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का दावा है। दरअसल तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही सफाई पेश कर दी और ये कहा कि ये एक परंपरा है, इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के इस बयान से एक बार फिर सियासी अटकलों में हवा लग गई। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम बिहार में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे, बिहार में फिर खेला होगा, हमारी सीएम नीतीश कुमार से सीक्रेट बातचीत हुई है, हमने नीतीश कुमार के लिए पहले नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था लेकिन अब हमने उन्हें एंट्री दे दी, अब वो आए हैं तो सरकार भी बनेगी। सुनिए और क्या कुछ तेज प्रताप यादव ने कहा। इफ्तार था, रमजान चल रहा है, उसके मौके पर इफ्तार पार्टी हम लोगों ने देने का काम किया था और नीतीश कुमार ही नहीं, शहनवाज जी भी आए थे जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और चिराग पासवान भी आए थे और भी दल के लोग आए थे, सारे लोगों को हम लोगों ने सम्मानित, हम लोगों ने नेता ढूंढने का काम किया और सारे लोगों को हमने बंद बुलाने का काम किया। पॉलिटिक्स है, राजनीति में उथल पुथल होते रहता है, आज हम हैं तो कल वो हैं, कल वो रहेंगे तो आज हम रहेंगे, तो ऐसा ये सब चीज़ उथल पुथल जो है चलता रहता है। अब इसमें नीतीश कुमार जी आए, पहले तो हमने तो लगाया था कि नो एंट्री का बोर्ड, अब एंट्री नीतीश चाचा जी हमने लगाया बोर्ड तो वो आ गए, यहाँ आ गया तो सरकार बनेगी, तो सरकार बन रही है, सरकार बनाएंगे, खेल होगा, ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था जो देखते ही देखते बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में बदल गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने आवास से पैदल ही इफ्तार पार्टी में पहुंचे, जिसके बाद आरजेडी नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एक तरफ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इसे राजनीति से दूर रखने की अपील कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने ये बड़ा दावा कर बिहार की राजनीति में संकेत दे दिए। तेज प्रताप का दावा इस लिहाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि राज्य में बीजेपी नेताओं के बीते कुछ दिनों के बयान यही संकेत दे रहे हैं कि एनडीए के बीच अब तालमेल में कमी आ गई है, जिस पर काम नहीं हुआ तो एक नई सियासी सड़क महागठबंधन की तरफ बढ़ सकती है। बहरहाल अभी कुछ भी कहना इस मामले में मुश्किल है, लेकिन तेज प्रताप की सीएम नीतीश कुमार से कौन सी सीक्रेट बातचीत हुई है इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।